खबर उत्तराखंड के चंपावत से है, जहां हाईकोर्ट नैनीताल द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य मार्ग पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के कड़े निर्देश दिए गए थे। हाईकोर्ट के निर्देश पर बुधवार को पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के द्वारा अधिशासी अभियंता संजय चौहान के निर्देश पर तहसीलदार विजय गोस्वामी की देखरेख में पुलिस व प्रशासन के सहयोग से लोहाघाट क्षेत्र के बाराकोट लोहाघाट राज्य मार्ग में पाटन पुल से लेकर गलचौड़ा तक किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर की मदद से हटाया गया। प्रशासन की इस कार्यवाही से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं तहसीलदार लोहाघाट विजय गोस्वामी ने पीडब्ल्यूडी के अभियंता तुलाराम ने बताया, माननीय हाईकोर्ट के निर्देश पर आज अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। अतिक्रमणकारियों को पूर्व में नोटिस दे दिए गए थे। अभियंता तुलाराम ने बताया, विभाग ने लोहाघाट क्षेत्र में कुल 223 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने कहा, राज्य हाईवे 57 में 186 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, जिन पर आज कार्यवाही हो रही है। माननीय हाईकोर्ट के निर्देश पे कार्रवाई हो रही है और इसके तहत जो है हमारे तो लोहाघाट इंजन के पास 223 ऐसे पॉइंट हैं जहां अतिक्रमण हुआ है और उसी के तहत ये जो SH-7 है उसमें 186 पॉइंट को हमने जो है आइडेंटिफाई कर रखा है। जो हमारे अतिक्रमण आ रहे हैं उसी के तहत हम ये जो है कार्रवाई कर रहे हैं सर। अतिक्रमण तो आज जो है हमारा पाटन पुल से जो है गलचौड़ा तक चलेगा, उसके बाद जो है फिर 2500 टैक्सी स्टैंड से लेकर किपतोली तक दूसरा स्टेप हम लोग इसे चलाएंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।